टैंको कमांडर। सर महोदय टैंको आदेश करें सर। सब लोग अपियर हैं? हाँ सर सभी लोग अपियर हैं सर, सभी लोग अपियर हैं। सभी थानों के SHO, SSI, एडिशनल SHO और मुंशी सभी लोग, कोई इनमें मिसिंग तो नहीं है? मैंने चार लोग बताए थे प्रत्येक थाने के अवेलेबल होंगे। सभी लोग हैं, CO जालौन साहब छुट्टी पर हैं, इंस्पेक्टर उरई छुट्टी पर हैं, तो उनके जो सेकंड प्रभारी हैं वो मौजूद हैं सर। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये मैं अंतिम चेतावनी आप लोग को दे रहा हूँ। आज की जो घटना है वो दिखाती है कि भाई पंचायत मोड़ से बाहर नहीं निकल पाए, और आज बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली घटना थी जो आज हुई है, उसके लिए हमें शर्म आनी थी और डूब मरना चाहिए। जो हमारे SHO 8 का जो कृत्य है, SSI का जो कृत्य है, वो बिल्कुल इस तरह का है कि बिल्कुल डूब मरने वाली स्थिति है। शर्म आनी चाहिए हम लोग को कि हम आज के समय में FIR लिखने में और ये पंचायत मोड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गरीब पीड़ित को न्याय नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। 30 तारीख को पीड़ित थाने पर आता है, 30 तारीख को उसको टहला दिया जाता है, बेवकूफ बना के भेज दिया जाता है। माइनर लड़की है, कैसे भी संबंध बने हो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जब माइनर लड़की है फिर क्या कंक्लूजन था भाई? माइनर लड़की के संबंध तो आप तत्काल, माइनर लड़की के संबंध में तो आप तत्काल मुकदमा पंजीकृत करेंगे, कितने बार आपको बताया जाए? और किस SHO को कंक्लूजन है? मतलब रेप जैसे मामले में आप लोग पंचायत करने बैठ जाते हैं यहाँ पर? ये मुंशी, SSI, SHO, एडिशनल SHO सबके नाकारा बैठा रखे हैं क्या मैंने यहाँ पर? किसी का कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, जनता के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। गजब स्थिति है। फरियादी मेरे पास आता है, बोलता है कि हम थाने पर गए थे, FIR नहीं लिखी जा रही है, बाइक चोरी की FIR लिखने में तकलीफ होती है आप लोग को? लड़की के साथ घटना हो रही है उसकी FIR नहीं लिख रहे हो? अब उसके लड़की के पिता ने किन हालातों में आज आत्महत्या की वो तो जांच का विषय है, कि पुलिस की कार्रवाई से आहत होके की, या फिर समाज में बदनामी होती उस कारण की, लेकिन आत्महत्या तो उसने की और उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं। क्लियर दिखाता है ये कि हम पंचायत मोड से बाहर नहीं निकल पाए। SHO 8 पूर्व में SHO कैलिया को मैंने 50 बार बताया था पंचायत मोड से बाहर निकलो। हर मीटिंग में मैं आप लोग को बोलता हूँ FIR रजिस्ट्रेशन में नाटकबाजी मत करिए, FIR रजिस्टर करिए। लेकिन जो लापरवाही सब लोग दिखा रहे हो FIR रजिस्ट्रेशन में, अब बिल्कुल बस बर्दाश्त की बाहर हो गया है सब। मुंशी, SSI, एडिशनल SHO की जिम्मेदारी है कि अगर आपके SHO नहीं लिख रहे FIR, तत्काल मुझे बताएंगे कि ये प्रकरण आया है और इंस्पेक्टर साहब ने FIR नहीं लिखी है। अगर ये नहीं मानोगे, अगर ये नहीं बताओगे मुझको, तो उसका मतलब ये है कि जो सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो और अपना सब गटमट करने में लगे हुए हो। आज बिल्कुल शर्म की बात थी, ये जो घटना हुई है बिल्कुल हम लोग की पूर्ण रूप से लापरवाही है, SHO SSI की लापरवाही है, CO साहब की भी लापरवाही है कि उनके द्वारा सही तरीके से प्रवेक्षण नहीं किया गया पूरे। और मैं एक एक व्यक्ति की जो इस चीज में लापरवाही है उसकी जवाबदेही फिक्स करूंगा और कार्रवाई भी ऐसी करूंगा कि वो बिल्कुल नजीर बनेगी यहाँ पर। बर्खास्ती तक लेके जाऊंगा मैं एक एक को जो जो इन्वॉल्व है इसमें। और ये अंतिम चेतावनी है, कोई भी गंभीर प्रकरण आएगा उसको आप तत्काल CO, एडिशनल SP और मुझसे डिस्कस करेंगे। ये जो पंचायत का तरीका है ये बंद कर दीजिए। 50 बार बोल चुका हूँ, मेरे पास सूचना आनी चाहिए जो जो एप्लीकेशन आपकी आ रही है, लेकिन नहीं भेज रहे हैं। इस एप्लीकेशन की भी सूचना नहीं आई थी थाने से, CO साहब बस कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं, भी नहीं देख रहे क्या सूचना उनके लोग दे रहे हैं। इतने गंभीर प्रकरण में SHO ने, SSI ने, किसी ने बताया ही नहीं हम लोग को कितना गंभीर मामला आया है और उस पर हम लोग कुछ कार्रवाई भी नहीं कर रहे। समझौता रेप में समझौता होने लगा,
ये बताया जा रहा है एसएचओ एसएसआई के द्वारा। एसएचओ एसएसआई दोनों को तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है और मैं पूरे प्रयास करूंगा, पूरा मैं अपनी अच्छी इसमें कार्रवाई करूंगा, अपनी अच्छी चार्जशीट बनाऊंगा कि बर्खास्तगी तक लेके जाऊंगा मैं दोनों को, या फिर इसके अलावा कोई अन्य तीसरा चौथा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है तो। और ये अंतिम चेतावनी है, सुधर जाओ वरना मैं ऐसा सुधारूंगा कि रो रोगे सब लोग। सुधर जाओ यहां से चले जाओ घर पर छोड़ के, अगर मेरे साथ काम करना है। इतना तुम्हारे साथ लग के, तुम्हारे साथ मेहनत करके, तुम लोग को स्वतंत्रता देके लग रहा है दिमाग खराब हो गए तुम लोग के। स्वतंत्रता या इज्जत पाने के लायक नहीं हो तुम लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो। और ये जो मुंशी जात बैठी है ना थाने पर, इसको मैं अलग से रगड़ूंगा, बता रहा हूं। अगर किसी पीड़ित को भेज दिया, चलो मोबाइल चोरी होता है उस आदमी के लिए मुझको मेरे पास आना पड़ रहा है, यहां पर बाइक चोरी हुई उसको मेरे पास आना पड़ रहा है, मुकदमा नहीं लिख रहे हो, गंभीर मामले हो रहे उसके बारे में सूचना नहीं दे रहे हो। ये अंतिम चेतावनी थी। अब देखो मैं क्या लाइन बनाता हूं, एक ही डेली के प्रकरण देख के, और जिस जिसको शराब आ रही हो उसको डूब मरो जाके आज। तत्काल एसएचओ 8 और एसएसआई वहां से रवानगी करें, लाइन में आप तत्काल प्रभाव से सस्पेंड है, और जिसने भी अगली लापरवाही की इससे भी कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध करूंगा, बता रहा हूं। ये बिल्कुल फाइनल वार्निंग थी, उसके बाद मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, बस हो गया क्लियर। अगर डंडे के ही तुम लोग को डंडे की भाषा समझ में आती तो डंडा भी मैं बहुत अच्छा चलाता हूं, अब तुम लोग को सबको समझ में आएगा अगर दोबारा कुछ इस तरह का इवेंट मेरे सामने आ गया तो। टैंगो कमांडर सर, ठीक है बस हो गया, सभी ने सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो जिसने रिकॉर्ड किया वो सुन ले सब लोग, बता देना है सर। अभी हम सबसे बारी बारी पूछ ले रहे हैं सर, सीक्यू टैंगो सिक्योर सीक्यू फ्रॉम टैंगो, ये सभी थानों ने कमांडर महोदय को सुन लिया होगा, बहुत नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं एसएचओ 8 एसएसआई सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है, ये तत्काल लाइन में आमद कराएंगे आके, और आगे से कहीं से भी ऐसा कोई प्रकरण आता है तो उसमें भी साहब ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि बगैर कार्रवाई के बचेंगे नहीं आप लोग, इसलिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन अभी से तत्काल से प्रारंभ कर दीजिए, और अगर